हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला के फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो पहला अपना क्लास बताए थे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हमने बताया था कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट में दो ऐसी संस्थाएँ जिसे कहा भी जाता है कि वे ट्विंस थी। मीन्स क्या था कि एक तो वर्ल्ड बैंक था आपका और एक था आपका IMF। इसे कहा जाता था कि ये ट्विंस ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है। मींस क्या है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो उसके जो कंक्लूजन में आए थे दो इंस्टीट्यूशन, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस जो हमारा वर्ल्ड वार हुआ, जो विध्वंस हुआ, जो विनाशकारी चीज़ें हुई देश पूरे दुनिया में, उसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए, या कहो कि जिस दौर से दुनिया गुजरी थी और जिस तरह से चारों तरफ हाहाकार मचा, उसको दूर करने के लिए और फिर से विकास करने के लिए, फिर से डेवलपमेंट लाने के लिए देशों को फिर से तैयार होना था। और तैयार होने के लिए दो संस्थाएं आगे आई, पहला था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड बैंक को। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना थी वो 1944 में हुई और जो फंक्शन में आई 1945 में। वर्ल्ड बैंक नाम से उस समय कोई संस्था नहीं बनी थी, संस्था बनी थी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस नाम से संस्था बनी थी, यानी 1945 में जो संस्था काम करना शुरू की, वो काम करना शुरू की IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बट आज के डेट में अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक को, तो वर्ल्ड बैंक कोई एक सिंगल एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक, यानी कि इसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, पांचों को मिलाने के बाद ही वर्ल्ड बैंक बनता है। लेकिन मान लो कि अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में कि बताओ वर्ल्ड बैंक कौन सा है, आपके पास चार ऑप्शन रहे, एक दे दिया जाए IBRD, दूसरा दे दिया जाए आपको IDA, तीसरा दे दिया जाए IFC और चौथा मान लो दे दिया जाए WTO, आप बताओ कि इसमें वर्ल्ड बैंक कौन सा है। ये आपको ऑप्शन ABCD दिया हुआ रहेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। इन दैट केस आप ऑप्शन मारोगे हमेशा IBRD को। बट वर्ल्ड बैंक का मतलब जो होता है वो होता है IBRD प्लस IDA, दोनों को मिलाकर ही हम लोग कहते हैं ये मेरा वर्ल्ड बैंक है, और बाकी जो कहलाता है वो कहलाता है ग्रुप ऑफ वर्ल्ड बैंक। यानी ये जो लिखा हुआ पांचों है, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, जिसमें हम कहेंगे IBRD और IDA, ये दोनों मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बनाती है। अब बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम क्लियर कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक को लेकर अगर आपको ऑप्शन क्वेश्चन आता है और ऑप्शन दिया रहता है, अगर पेयर में है तो IBRD प्लस IDA इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। यानी कि अगर हम वर्ल्ड बैंक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो वर्ल्ड बैंक इक्वल टू हम कह सकते हैं IBRD प्लस IDA, ये हमारा वर्ल्ड बैंक कंस्टिट्यूट करता है। अब बाकी जो है वो हमारे वर्ल्ड बैंक के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जो अलग अलग काम को करते रहेंगे। अब हम आगे समझेंगे वर्ल्ड बैंक के विषय में कि अगर बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी देखा जाए तो उसमें आपको अलग अलग उसके डेट हैं सेटअप होने के और अलग अलग मेंबर्स के भी नंबर्स हैं। जैसे कि IBRD में टोटल 189 मेंबर्स हैं, जिसका आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1945 में हुआ था। IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इसका सेटअप 1960 में हुआ था, इसमें मात्र 173 मेंबर्स हैं। वैसे ही IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका सेटअप 1956 में हुआ था और इसके मेंबर 184 हैं। मीगा के मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका सेटअप 1988 में हुआ था और इसके मेंबर्स 181 हैं। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका सेटअप हुआ था 1966 में और इसके मेंबर हैं 161। अब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे एक एक इंस्टीट्यूट जो इनके हैं, इसका क्या क्या मेन पर्पस है, क्या काम है। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लें कि वर्ल्ड बैंक का जो कंपोजिशन होगा वो किस तरीके से होता है। वर्ल्ड बैंक का कंपोजिशन अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो हमारा होगा वो होगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आता है यहां पर 25 मेंबर्स का
एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आप देखोगे आईएमएफ में ये 24 मेंबर्स का होता है, यहां पर ये 25 मेंबर्स का होता है, और यहां पर 189 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स बोर्ड ऑफ गवर्नर्स 189 मेंबर्स, 189 मेंबर मींस जो 189 यहां पर इसके मेंबर्स हैं, उसके उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर या उस कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं होने के जगह पर उस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो होंगे वो इसके मेंबर होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के। 25 मेंबर्स यहां पर होते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 25 मेंबर्स में 5 मेंबर्स जो होते हैं वो स्थायी मेंबर होते हैं, और 20 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, 20 मेंबर्स का इलेक्शन होता है, और 5 मेंबर जो है वो आपके अस्थाई हैं। अस्थाई में कौन कौन से मेंबर आएंगे ये आपको याद रखना चाहिए, यूएसए है, जापान, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद है चाइना, जर्मनी, ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, और इसके अलावा 20 सदस्यों का इलेक्शन होता है, जिससे 25 मेंबर्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनता है, उसके ऊपर एक एमडी होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का अपना कंपोजिशन है, इसमें इन सारे मेंबर्स और इन सारे को मिलाकर ही ये वर्ल्ड बैंक चलाया जाता है। अब हम बात करें एक इसके इंस्टीट्यूट पर, जैसे आईबीआरडी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन वर्ड जो आया था वो इसीलिए आया था क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वर्ल्ड वार में जो विनाश हुआ है उसको दोबारा खड़ा करो, उसे दोबारा फिर से बनाओ, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसके अंतर्गत इसका जो काम होता है वो सिंपल सा होता है कि ये अपने सभी मेंबर्स को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि आईबीआरडी के विषय में अगर हम बात करें कि आईबीआरडी का काम क्या है, तो आईबीआरडी का काम है लोन देना। कौन सा लोन? लॉन्ग टर्म लोन देना। लॉन्ग टर्म मीन्स क्या हुआ, इसके लोन के जो होते हैं टाइमिंग वो 5 से 20 साल तक हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन देती है एकदम मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर ये लोन प्रोवाइड करती है। आईबीआरडी का काम ही है अपने सभी मेंबर्स का, अभी अपने सभी मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना, लॉन्ग टर्म लोन विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके, जिससे वो स्टेबल डेवलपमेंट कर सके। तो आईबीआरडी का ये काम है सिंपल सा कि आपको लो इंटरेस्ट रेट पर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराना। किसे प्रोवाइड करेंगे? अपने मेंबर्स कंट्रियों को। भारत आईबीआरडी का फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, जब आईबीआरडी बना था उसी समय से भारत इसका मेंबर बना हुआ है। दूसरा आपका इंस्टीट्यूशन है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, आईडीए इसे कहा जाता है, आईडीए को कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। ये भी आईबीआरडी की तरह ही लोन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स कंट्रियों को लो इंटरेस्ट रेट पर। बट डिफरेंस क्या है आईबीआरडी और आईडीए में? आईडीए जो होती है ये जनरली लोन प्रोवाइड करेगी अनडेवलप्ड कंट्रियों को या डेवलपिंग कंट्रियों को। गरीब देश जो होंगे, जो बहुत गरीब देश हैं या जो डेवलपिंग देश हैं, जो अनडेवलप्ड हैं, वैसे ही देशों को ये लोन उपलब्ध कराती है। आपको ये जान के समझ में आना चाहिए कि आईबीआरडी से इंडिया लोन लेता है, बट आईडीए में इंडिया लोन देने वाला कंट्री है। मींस क्या हुआ कि आईडीए के तहत अगर किसी गरीब देश को लोन दिया जाता है तो उसमें इंडिया आईडीए को पैसे प्रोवाइड करती है लोन देने के लिए। तो आईडीए का मुख्य उद्देश्य है लोन देना, लॉन्ग टर्म लोन देना, लो इंटरेस्ट रेट पर या जीरो इंटरेस्ट रेट पर। ये जीरो इंटरेस्ट रेट पर भी लोन प्रोवाइड करती है, ये जीरो इंटरेस्ट रेट पर भी लोन प्रोवाइड करती है। बट कंडीशन यही रहेगा इसके साथ कि वो जो लोन लेने वाला देश है वो अनडेवलप्ड हो,
वो पूरी तरह से गरीब देश हो, जैसे कि आपके साउथ एशिया में बात करो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब लोन लेने वाले हैं, जबकि भारत जो है वो लोन देने वाला है थ्रू WB। तो IDA का काम हुआ लोन देना। फिर आता है नेक्स्ट जो है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसे कहा जाता है प्राइवेट आर्म ऑफ WB। ये अपने मेंबर्स देशों के प्राइवेट कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ टाटा है या हमारे यहाँ अंबानी है, अंबानी को कोई प्रोजेक्ट लगाना है और उसे लोन नहीं मिल पा रहा है देश में, तो वो इंटरनेशनली चाहे लोन लेना तो वो किसी इंटरनेशनल बैंक के पास ना जाके वो वर्ल्ड बैंक के पास जाकर लोन ले सकती है। तो IFC का मेन काम है कि अपने मेंबर्स कंट्रियों के देश में जो इंडस्ट्री है, जो प्राइवेट फर्म है, उसे लोन प्रोवाइड करना। लोन प्रोवाइड करने के पीछे का रीजन ये है कि वो जिस देश में भी अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर वो उससे वहाँ पर डेवलपमेंट को लाएंगे, सोशल डेवलपमेंट को लाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लाएंगे। यानी IFC का मेन काम है प्राइवेट कंपनियों को लोन देना जिससे वो डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका काम जो है ये है कि अगर मान लो कोई देश है, मान लो कि कोई देश ए है और कोई देश बी है, और ए के देश के कोई कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट की, मान लो कंट्री ए का कोई इन्वेस्टर है जो बी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और जब वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वैसे कंडीशन में MIGA जो है वो उस इन्वेस्टमेंट का गारंटर बनती है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि भारत का कोई कंपनी, मान लो भारत की टाटा जो है वो मालदीप में जाकर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू की, मेट्रो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की, और जब मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होगा तो वो 4-5 साल लगेगा उसे बनने में और रेवेन्यू को आने में। मान लो 4-5 साल के बाद मालदीप का मान लो कि सरकार बदल जाए, और सरकार के बदल जाने से जो नई सरकार आई उसकी जो पॉलिसी आई उसे किसी और कंट्री से कोई इन्वेस्टर्स उसे अट्रैक्ट कर लेता है कि नहीं चलो उसकी जगह हम काम करेंगे, इन दैट केस हमारे कंपनी टाटा का तो पैसा फंस गया। वैसे कंडीशन में MIGA काम करती है, MIGA वहां पर गारंटी प्रोवाइड करती है उस कंपनी को कि आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, अगर डूबता है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करे। यानी कि ये आपके इन्वेस्टमेंट में गारंटर का काम करती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये क्या है, इसका जो स्थापना हुआ वो 1966 में हुआ और इसके टोटल अभी 161 मेंबर्स हैं। इसका काम है कि अगर मान लो कि उसके देश दो देशों में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन्वेस्टमेंट को लेके, या किसी प्रकार का वर्ल्ड बैंक के अन्य देशों में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को ये उसके लिए एक मध्यस्थता करने के लिए ये काम करती है और डिस्प्यूट को सॉल्यूशन करती है। या कहो कि UNO जो है, UNO भी कभी कभी इस सेंटर को देता है कि दो देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो उस झगड़े को सुलझाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपको इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया जो है वो इस इंस्टीट्यूशन का मेंबर नहीं है। क्यों कहना है, इसके पीछे इंडिया का लॉजिक है कि इंडिया का लॉजिक अगर दो हमारा किसी से झगड़ा होता है, अगर हमारा किसी अन्य देश से झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए हम लोग बायलैटरल अपना डायलॉग करके उस झगड़े को सुलझा लेंगे, हम तीसरे की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। यानी कि इंडिया का ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारा झगड़ा अगर किसी देश के साथ होता है तो हम उस झगड़े को खुद सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ICSID का मेंबर भारत नहीं है, बाकी चार का मेंबर भारत है। यानी अगर हम कहें कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर इंडिया है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का क्या इंडिया मेंबर है, तो आपको उसका जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि भारत
पूरे ग्रुप में चार इंस्टीट्यूशंस का तो मेंबर है बट पांचवे का मेंबर नहीं है। तो इसको घुमाकर आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक अगर पूछता है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर है तो वर्ल्ड बैंक जो था हमने बताया था कि आईबीआरडी और आईडीए दोनों को मिलाकर बना, इस दोनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक। तो भारत वर्ल्ड बैंक का तो मेंबर है बट वर्ल्ड बैंक के ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप में पांचों उसके इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अब चूंकि भारत पांचों का मेंबर नहीं है, एक में इसमें ऐसा है जिसका भारत मेंबर नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान रखना है। अब भारत इसकी जगह अपना जो यूज करता है वो है कहलाता है BIPA, बीपा। तो ये हमारे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के पांचों इंस्टीट्यूशंस हुए कि आपको ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन का क्या काम है। जैसे IBRD ये सभी मेंबर्स कंट्रियों को लोन उपलब्ध कराएगा, लॉन्ग टर्म लोन विथ लो इंटरेस्ट रेट। IDA डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड कंट्रियों को लोन उपलब्ध कराएगा विथ जीरो इंटरेस्ट रेट। IFC प्राइवेट फर्म को लोन उपलब्ध कराता है। MIGA जो है वो गारंटर की भूमिका निभाती है और ICSID जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर है। तो इस तरह से पांचों को जब मिला देते हैं तो हमारा बनता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये आपका हुआ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट कड़ी में हम लोग आज देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा सेक्शन था IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों। अब हम लोग देखेंगे पूरे डिटेल के साथ कि क्या है IMF और किस प्रकार ये काम करता है, इसको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रकार ये अन्य देशों का मदद करता है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट लेंगे हम लोग IMF जो हमारा था, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट था IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसे कहा भी जाता है ट्विन्स ऑफ ब्रिटेन वुड। तो 1944 में ये हमारा इस्टेब्लिश्ड हुआ और फोर्स में जो अपने काम करना शुरू किया वो किया दिसंबर 27, 1945, जिसमें मेंबर जो है अभी के देश टोटल देखें हम लोग तो 189 मेंबर्स हैं। मेंबरशिप लेने का जो सिंपल सा तरीका है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं तो आप ऑटोमेटिकली IMF के भी मेंबर होंगे, वैसे ही अगर आप IMF के मेंबरशिप ले चुके हैं तो आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर होंगे। तो ये मेंबर्स की इनकी जो संख्या है वो अभी के डेट में है 189। सबसे पहला समझेंगे हम लोग इसके मेन फंक्शंस को कि IMF क्यों बना या IMF का काम क्या है। IMF का जो मुख्य काम है वो है कि वर्ल्ड को फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए आगाह करना या उन्हें इसके लिए वार्न करना, या अगर ऐसा किसी देश में लग रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है तो उसकी संभावनाओं को देखकर उस देश को सजग और वार्निंग देना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट रेगुलेशन, जो मनी आपका एक्सचेंज होता है दूसरे देशों के साथ उस एक्सचेंज रेट को आपको रेगुलेट करना इसका काम है। दूसरा है शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी लायबिलिटीज, जो दूसरे देशों की होती है शॉर्ट टर्म की आपकी लायबिलिटीज होती है उसे वो परचेज करता है, SDR एलोकेट करता है। SDR को हम लोग समझेंगे आज कि SDR क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसे कहा इसे एलोकेट करने का जो काम है वो IMF का है। और दूसरा है कि अगर BOP क्राइसिस किसी देश की होती है, अगर BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है तो इन केस वो उस कंडीशन में उसका वो एक तरीके से कहो कि उस कंडीशन में वो उस देश को ऋण भी उपलब्ध कराता है। तो कहा जा सकता है कि बेलर है ये, उस समय उसका बेल देता है कि हम हैं आप इसके, अगर BOP क्राइसिस हो रही है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट घट भी जा रहा है तो इन दैट केस IMF काम करती है। या सिंपल लैंग्वेज में समझो तो IMF भी लोन देती है बट लोन देने के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और उस हार्ड लोन देने के कारण ही IMF को क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। IMF को क्रिटिसाइज करने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो यही है कि ये लोन तो देती है, गरीब देशों को लोन देती है, डेवलपिंग कंट्रियों को भी लोन देती है, अनडेवलप्ड को भी लोन देती है, इसके लोन का परसेंटेज जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है, उसके बावजूद इसका जो लोन देने का कंडीशन है वो कंडीशन इतना ज्यादा हार्ड होता है जिसके कारण
हमेशा आईएमएफ को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो कुछ कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर आईएमएफ को कंडीशन की बात करना शुरू करें, जिस प्रकार इंडिया के केस में अगर बात करें तो इंडिया ने भी 1981 के फाइनेंशियल ईयर में और 91 के फाइनेंशियल ईयर में भी आईएमएफ से लोन लिया था। लोन लेने के जो कंडीशंस थे वो इतने हार्ड थे, जिसके वो अगर हम लोग समझे, जैसे पहला बोला जाता है कि फिस्कल डिफिसिट उसका कम से कम होना चाहिए उस देश का, यानी कि आपका जो फिस्कल डिफिसिट हो वो मिनिमम हो। तो फिस्कल डिफिसिट जो हमने पहले भी पढ़ाया था आपको कि फिस्कल डिफिसिट ऑब्वियसली किसी भी डेवलपिंग कंट्री या अनडेवलप्ड कंट्री में फिस्कल डिफिसिट तो हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो उनका बजट बनता है वो बजट बनता है हमेशा आपके एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड बनता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा खर्च कितना है, हम खर्चों को कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से अपने इनकम को जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो गारंटेड है कि जब वेलफेयर कंट्री कोई भी होगा तो उसके जो खर्चे होंगे वो ज़्यादा होंगे कंपैरिजन टू उनके इनकम के। तो खर्चे जब ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ फिस्कल डिफिसिट आएगा ही। तो आईएमएफ का जो कंडीशन है वो है कि फिस्कल डिफिसिट को कम से कम रखा जाए, दूसरा रेवेन्यू डिफिसिट को भी कम रखा जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर भी बोला जा रहा है कि आपका स्टेबल होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपका एक्सचेंज रेट होगा, जो आपका करेंसी एक्सचेंज रेट होगा वो, या आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा, जिस प्रकार हम लोग अपने इंडिया के बारे में बात करें तो जो हमारा इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई तय करती है अपने मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी में, तो वो जो रेट होगा वो रेट गवर्नमेंट ना तय कर वो मार्केट बेसिस पर होना चाहिए। मीन्स क्या है कि आपका जो करेंसी एक्सचेंज रेट है और आपका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह सब होगा सारा, वो मार्केट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस के साथ ही आईएमएफ लोन देना सुनिश्चित करती है। उसके साथ साथ दो बातें और बोलना है उनका कि आपके जिस देश को भी वहां से लोन लेना है तो उस देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी वो देखती है। मींस क्या है कि उसका जो कंडीशन है वो है कि वहां पर डेमोक्रेसी आना चाहिए, वहां पर डेमोक्रेसी होना चाहिए, साथ ही साथ एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरल, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि 1991 में इंडिया में एलपीजी लागू की गई थी, मींस लिबरलाइजेशन मतलब लिबरल रहेंगे हम हर जगह कानून नहीं लगाएंगे, हम कंपनियों पर लाइसेंसिंग या अदर किसी प्रकार के कानूनों में ढील देंगे, लूज करेंगे अपने कानूनों को। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मींस क्या होगा कि हर कुछ जो होगा वो सरकार का नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा, मतलब पब्लिक इंफ्रा के अलावा हम प्राइवेट इंफ्रा को भी अलाउ करेंगे अपने इकोनॉमी में। तीसरा जो हमारा है वो है ग्लोबलाइजेशन, हम मार्केट को खोलेंगे, अपने मार्केट को विश्व के लिए खोल देंगे। तो एलपीजी लागू किया गया था 1991 में, भारत में भी एलपीजी आया था, जिसका हम लोग लगातार इसके विषय में हम लोग अपने 5 ईयर प्लान में भी देखे थे कि 1991 में हमारे देश में एलपीजी आया था। तो एलपीजी आने के पीछे का एक रीजन ये भी था कि आईएमएफ का जो कंडीशंस था हमारा लोन का, वो कंडीशन में एलपीजी भी एक कंडीशन है, जिस कारण से 1991 में इंडिया में एलपीजी लागू की गई थी। तो इतने सारे कंडीशंस के साथ ही आईएमएफ लोन उपलब्ध कराती है। तो आपका इंटरेस्ट रेट जो भी हो, एक तरीके से अगर आप देखो तो आप, अगर आप कहते हो कि आपका एक्सचेंज रेट या आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट ओरिएंटेड होगा, मींस क्या है कि आप कहीं ना कहीं उसके उस देश के इंटरनल मैटर पर भी दखलंदाजी कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो ये उस देश का अपना स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को आप चेंज करने की बात कर रहे हो। तो आईएमएफ से लोन लेना इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत टफ काम है, कि आईएमएफ से लोन लेना, आपका इंटरेस्ट रेट आईएमएफ जो भी ले बट उसके जो कंडीशंस है वो इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि उससे लोन लेना आसान नहीं होता है। आज के देश में, डेट में अगर हम बात करें तो हमारे देश पर आईएमएफ का कोई लोन नहीं है। हम लोगों ने जो लोन उनसे लिया था 91 में या 81 में, वो हमने पूरी तरह से चुका दिया। आज के डेट में भारत पर आईएमएफ का कोई लोन बकाया नहीं है, जबकि उल्टा चल रहा है कि अब आईएमएफ को भारत सपोर्ट कर रहा है। हम लोग देखेंगे इसको आगे भी कि किस प्रकार क्या हुआ था। तीसरा जो टर्म है वो समझेंगे, इसके कंपोजिशन को,
कि ये कंपोजिशन है आईएमएफ का, कि एक सबसे जो सबसे हेड होता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 24 मेंबर्स का कमिटी होता है, 24 मेंबर का, और लास्ट जो होता है वो होता है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर जो 189 कंट्री के गवर्नर, मींस गवर्नर मींस यहां पर क्या है कि उस देश का जो भी सेंट्रल बैंक होगा, जैसे इंडिया में आरबीआई है तो आरबीआई के गवर्नर इसके एक मेंबर होंगे, तो 189 कंट्रियों के जो सेंट्रल बैंक होंगे उसके जो गवर्नर होंगे वो इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर होंगे। यानी यहां पर तीन स्टेज में हमारा इसका कंपोजिशन चल रहा है कि पहला हो जा सबसे टॉप पर है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 24 मेंबर्स का है, ये आपको पीटी के लिए भी याद रखना चाहिए, ये 24 मेंबर्स का है, और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो 189 मेंबर्स का होता है। 189 मेंबर्स मींस जो उसके 189 मेंबर्स हैं आईएमएफ के, उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें अपने WTO के, तो WTO में जो होता था, WTO जो हम लोग पढ़े थे, तो WTO में उसका जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हम लोग पढ़े थे, जो मिनिस्ट्रियल उसका जो कंपोजिशन होता है वो जो उसके 164 मेंबर्स हैं वही मेंबर्स के जो गवर्नर हुए, मतलब वहाँ के जो उस बैंकों के गवर्नर हुए सेंट्रल बैंक के, उनका मेंबर्स जो हुआ वो कमिटी हुई वो टॉप पर होती थी। मींस क्या हुआ कि जो मेंबर्स कंट्री थी उसके सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की जो कमिटी थी वो WTO में टॉप पर थी, और उसके नीचे फिर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल और अन्य सदस्य होते थे। बट यहाँ पे देखेंगे गौर से हम, तो ये डिफरेंस भी एक तरीके से हमारा WTO और IMF में है कि IMF में जो मेंबर्स की कमिटी है वो बॉटम में है, मेंबर्स की कमिटी बॉटम में है, यानी कि यहाँ पर 189 मेंबर्स जो हैं ये हमारे जो इसके गवर्नर्स हुए, जो इनके बैंकों के गवर्नर हुए वो हमारे यहाँ पे बॉटम में है, ये एक 189 की कमिटी काम कर रही है। इससे ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 24 मेंबर्स की है, ये 24 मेंबर्स में एक मेंबर USA के हैं, दूसरा मेंबर जापान का है, तीसरा मेंबर चाइना का है, एक एक मेंबर तीनों कंट्री के हैं, यानी अमेरिका के एक मेंबर हुए, जापान के एक मेंबर हुए और चाइना के एक मेंबर हुए। बाकी यानी कि 24 में अगर हम बात करें तो तीन मेंबर तो यही हो गए, यानी बचे 21 मेंबर्स। तो 21 मेंबर्स जो हैं वो 21 मेंबर्स इन बचे हुए, यानी कि 189 में भी अगर 3 माइनस कर दें तो 186 कंट्रियों का ग्रुपिंग किया गया है, 186 कंट्रियों का ग्रुपिंग किया गया है, 21 ग्रुप में उसे बांटा गया। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका, इन चारों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया और इसके एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे। मींस क्या हुआ कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस चार देश का एक ग्रुप बना और इस एक ग्रुप के एक मेंबर को हम इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स बनाए। मींस क्या हुआ कि अगर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गौर से देखो तो USA, चाइना एंड जापान का तो एक एक मेंबर, यानी एक एक व्यक्ति एक पूरे देश को, यानी देश का एक वैल्यू हो रहा है, बट यहाँ चार मिलकर एक बना रहे हैं। तो आपको यही से समझ में आता होगा कि किस प्रकार IMF में देशों का, जैसे WTO में हमारा था कि वन नेशन वन वोट, इस कॉन्सेप्ट पे वो काम करते थे, बट यहाँ पर आपका अगर चारों मिलके वोट दिया, मान लो किसी चीज पर बहस हुई या किसी डिस्कशन में भाग लिया गया, तो अगर केवल इंडिया ने यस किया और बाकी ने नो कर दिया तो यस का जो परसेंटेज होगा इंडिया का वो 1/4 होगा। मींस एक देश एक वोट का कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं करता है, यानी यहां पर इंडिया का जो वोटिंग होगा, अगर इंडिया मान लो किसी चीज में सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो वोट काउंट होगा वो 1/4 होगा, ना कि 1 होगा। तो इस प्रकार से 186 कंट्रियों को 21 ग्रुप में बांटा गया है और उसके एक एक उस ग्रुप के एक एक मेंबर इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं, जिसमें USA, चाइना एंड जापान के एक एक मेंबर हैं, बाकी सभी कंट्रियों को ग्रुपिंग में बांट दिया गया है, और इससे ऊपर एक जो होता है वो होगा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये जस्ट WTO से अपोजिट काम इस मामले में कर रहा है।
दूसरा आते हैं हम लोग बात करते हैं एसडीआर पर। एसडीआर पर क्यों बात करना है, क्योंकि कोटा सिस्टम को हमको यहां पर समझना होगा। आईएमएफ में कोटा सिस्टम लागू है। एसडीआर जो है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि एसडीआर क्या है, तो एसडीआर जिस प्रकार से हम डॉलर को जानते हैं, जिस प्रकार से हम रुपये को जानते हैं, उसी प्रकार एसडीआर भी एक कह सकते हो वर्चुअल टाइप की एक करेंसी है। मींस क्या है कि जैसे कि 1971 से पहले आईएमएफ का जो ऑफिशियल करेंसी था वो था डॉलर। आईएमएफ का जो ऑफिशियल करेंसी था वो था डॉलर। तो डॉलर को हम लोग जान रहे हैं, बट 1971 के बाद उसका ऑफिशियल करेंसी डॉलर को हटा दिया गया और उसके जगह पे लाया गया एसडीआर को। एसडीआर मींस क्या हुआ, एक प्रकार की एक वर्चुअल, मतलब हम एक इमेजिन कर रहे हैं एक करेंसी को, यानी एक करेंसी को हम इमेजिनेशन में ला रहे हैं जिसका नाम दिया गया एसडीआर। इसमें 5 करेंसी को शामिल किया गया है, डॉलर को, यूरो को, चाइनीज योन को, जापान के येन को और पाउंड को। ध्यान से समझना कि इन 5 करेंसियों को मिलाकर हमने एक नया करेंसी डिफाइन किया, दैट इज नॉन एज एसडीआर। यानी एसडीआर को अगर हम सिंपल समझे तो क्या समझेंगे, एसडीआर एक इमेजिन या इमेजनरी एक करेंसी है जो आईएमएफ की ऑफिशियल करेंसी मानी जा रही है। और इसको कैसे यूज करते हैं वो समझो, कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में डायरेक्टली आते हैं या आ सकते हैं, कि आपको बताना पड़ जाएगा कि कौन किसका वेटेज कितना है। ध्यान दे देना, ये 2016 से 2021 तक के लिए, ये 5-5 साल के लिए इसका वेटेज तय किया जाता है कि कौन सी करेंसी का कितना वेटेज होगा। एक एसडीआर में जो वेटेज है, वेटेज जो दिया गया है वो दिया गया सबसे अधिक है डॉलर का 41.73%, यूरो का है 30.93%, चाइनीज करेंसी यूएन का है 10.92%, जापानीज करेंसी एन का है 8.33% एंड स्टर्लिंग पाउंड का है 8.09%। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि एक एसडीआर कितना रुपये के बराबर होगा, एक एसडीआर कितना रुपये के बराबर होगा, इसको निकालने का जो तरीका होता है, जैसे मान लो कि डॉलर है, तो मान लो कि 80 डॉलर बराबर एक रुपया हुआ, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 41.73% प्लस, मान लो यूरो में है तो 90 रुपया बराबर एक यूरो हुआ तो 30.93 एंड सो ऑन, इस तरह से कैलकुलेट करके इसे लाया जाता है। मींस क्या हुआ, जैसे कि मान लो कैलकुलेशन के बाद आया मान लो 45 रुपी, तो 45 एक एसडीआर जो है वो 45 रुपये के बराबर होगा, ये मान के चलो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वेटेज है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ पर 2-3 तरीके से आ सकते हैं। हो सकता है आपको ये सीरियल ऑर्डर ही पूछ दिया जाए कि बताओ इसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाओ, तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर में है यूएसए का डॉलर है, फिर यूरोपियन यूनियन का है यूरो, चाइनीज युआन है, जापान का येन है और लास्ट में आपका आता है स्टर्लिंग पाउंड। तो ये एसडीआर को कैलकुलेट किया था। अब एसडीआर कैलकुलेट हम क्यों करते हैं, जैसा हमने बताया कि आईएमएफ जो है वो कोटा बेस्ड है, जिस प्रकार डब्ल्यूटीओ था वो था वन नेशन वन वोट, ये कोटा बेस्ड है कि कौन सा देश कितना पैसा जमा करेगा आईएमएफ में, जो जितना ज्यादा पैसा जमा करेगा उसके वोट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो पैसे को जो आईएमएफ में आपको अपना जो अंशदान देना है, जो आपको पैसे जमा करने हैं, उस कोटे का निर्धारण जो होता है वो होता है हमेशा एसडीआर में। अब कोटा कैसे निर्धारण होता है उसका भी एक रूल है, हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी जैसे मान लो किसी कंट्री का जीडीपी है, तो जीडीपी का 50% उसके कोटा को निर्धारण करने का जो तरीका है, जीडीपी का 50% होगा, उसके यहाँ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी कितनी है, मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिकली कितना वो डाइवर्सन है उसमें, तो उसका हो जाता है उसका 15%। फिर आपका आता है ओपन मार्केट कितना है, मींस क्या है प्राइवेटाइजेशन कितना है, यानी कि वो विश्व के लिए कितना खुला हुआ है, उस पर उसको मिलता है 30%। और फिर उसको मिलता है इंटरनेशनल फॉरेक्स उसका कितना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोष उसका कितना है, उस पर उसको जाके मिलता है 5%। इस प्रकार से किसी देश के लिए ये कैलकुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है, और इसको जोड़ के उसका कोटा निर्धारण किया जाता है कि उसको कितनी राशि वहां पर एसडीआर के रूप में जमा करनी है। और जितना ज्यादा उसका कोटा होगा उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू, उसके वोट का वैल्यू होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम बात करें ओपन मार्केट, जैसे रसिया को देखो, रसिया में
साम्यवाद, मतलब कह लो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, या कहो कि उसके मार्केट क्लोज हैं, तो उसका हमेशा परसेंटेज नीचे रहता है। तो इस प्रकार से कोटा का निर्धारण होता है कि कौन सा देश को कितना पैसा जमा करना है, और वो पैसे जो जमा होंगे वो एसडीआर के रूप में जमा होंगे। तो इस प्रकार आईएमएफ का कोटा का निर्धारण और एसडीआर का कॉन्सेप्ट है। अगर टॉप कंट्री देखें जिनका मैक्सिमम एसडीआर है आईएमएफ में, तो सबसे टॉप पर आता है यूएसए, फिर जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, एंड 8th पोजीशन पर है इंडिया। ये आपका क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि इंडिया कौन से पोजीशन पर है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया हमारा 8th पोजीशन पर है, जिसका कोटा अगर हम बात करें शायद वो 2.75 है। तो ये आपको क्वेश्चन पीटी में कहीं से भी पूछ सकता है, हो सकता है इसी में आपको दे दे कि आप इसी को सीरियल ऑर्डर को सजाओ, टॉप पर कौन है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कौन सी कंट्री आपके टॉप 10 में आ रही है, जिसमें आपको ये भी पता रहना चाहिए कि इंडिया जो हमारा है वो हमारा आज के डेट में 8th पोजीशन होल्ड करता है आईएमएफ में इस कोटे के अंतर्गत। यानी कि इंडिया का जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो आज डेट में 2.75 है। मतलब क्या होगा कि अगर इंडिया वोट, एक वोट दे रहा है, तो उसका वैल्यू 2.75 हो रहा है। तो ये हमारा आईएमएफ का कॉम्पोजिशन था, किस प्रकार होता है, एसडीआर का मीनिंग था कि एसडीआर होता क्या है। एसडीआर आपको फिर से बता रहे हैं, याद रखना, हमेशा कंफ्यूज मत करना, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एसडीआर आपका क्या है, एक इमेजिनरी करेंसी है जिसका यूज आईएमएफ अपने लिए करती है, जिसमें आपको 5 करेंसियों का वो एक तरीके से मिश्रण है। 5 करेंसी जो होंगे उसके वेटेज को देख लेना है आपको, इसके सीरियल ऑर्डर को याद रखना है कि ये सीरियल ऑर्डर किस ऑर्डर में ये है, और आज की डेट में टॉप 8 कंट्रियां जो हैं हमारी कौन कौन सी हैं वो आपको ध्यान देना है इसमें। तो ये था आईएमएफ का। अगर हम बात करें अब आईएमएफ में क्रिटिसाइज करने का जो रीजन है, वो तो रीजन, सबसे पहला रीजन तो यही है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जबकि आईएमएफ जब लोन प्रोवाइड करती है तो उस समय वो चाहती है कि जो देश को भी वो लोन दे उसमें वो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस देश में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, मगर खुद उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वन नेशन वन वोट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कोटा बेस्ड वोट का कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये है दूसरा है आईएमएफ को, जो आईएमएफ को खड़ा करने के पीछे जो रीजन था वो रीजन था कि आईएमएफ रिसेशन को या फाइनेंशियल क्राइसिस को देखेगी और उसे मेजर करेगी और उसके लिए उस कंट्री को वार्न करेगी। बट जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि 2008 में जब आईएमएफ पर ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस में आईएमएफ खुद ही आ गई, तो जब ये अपने आप को नहीं बचा पा रही है, ये दूसरे देशों को क्या बचा पाएगी, जिस कारण से आईएमएफ पर बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है। तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था, दो रिजल्ट था, एक था आईएमएफ, एक था वर्ल्ड बैंक, जिसका पहला पार्ट आईएमएफ को हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार आईएमएफ काम करती है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को पढ़ने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कट हो गया।